भाई आप कभी खुशी नहीं होते हो हम आपके लिए टाटा नेक्सॉन का डिटेल्ड वीडियो लाए और आपने कहा नहीं ये कम है हमें चाहिए महाकंपेरिजन तो आज बारी महाकंपेरिजन की क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी है हिंडे की वेन्यू अच्छा सिस्टम कैसा है मुझे नहीं लगता है कोई और आपके लिए इतनी मेहनत और इतने डिटेल एक टाइम पे लाता है तो किस बात के लिए रुक है लेट्स गेट इन टू द मोटर ऑक्टेन महाकंपेरिजन कंपैरिजन में ना हम वो सब चीजें नहीं आपको बताते जो आपको ऑलरेडी पता है वो बताते हैं जो आपको शायद प्रॉपरली नहीं पता होगी एक्स्यूवी थ्री डब्लो के टॉप एंड में अभी भी आपको प्रोजेक्टर आते हैं वरना बाकी सारी गाड़ियों में आपको एलईडीज आ जाते हैं नेक्सोन में आपको प्रोजेक्टर एलई आ जाते हैं एंड द सेम स्टोरी गोज विद द ब्रेजा एज वेल तो सब में आपको एलई डी व्हाइट लाइट्स आते हैं सिर्फ थ्री में आपको येलो लाइट्स आ जाते हैं अब टाटा नेक्सॉन की हेडलाइट्स देखते हैं तो ये कंप्लीटली व्हाइट हो गई है हेडलाइट का थ्रो एंड स्प्रेड भी अच्छा खासा है एंड दिस इज वेयर अ मेजर इंप्रूवमेंट हैज हैपेंड चुंड वेन्यू में भी आपको व्हाइट लाइट्स आती है इसका थ्रो डीसेंट इनफ है स्प्रेड एक्चुअली काफी अच्छा है बट ये लाइट की इंटेंसिटी जो है ना थोड़ी और बेहतरीन डेफिनेटली हो सकती है मारुति ब्रेजा की लाइट्स हमेशा से बहुत जबरदस्त थी बट जब से ये अपग्रेड आया है ब्रेजा की ये लाइट्स की स्ट्रेंथ थी ना वो कम हो गई इसका थ्रो रीच अच्छा है बट जो इंटेंसिटी थी वहां पे एक थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आ गया है थोड़ी और पहले जैसी बेहतर बन सकती है डेफिनेटली किया सोनेट की हेडलाइट्स का थ्रो इज वेरी एवरेज ओवरऑल इसका थ्रो स्प्रेड ओके है एंड डेफिनेटली इट नीड्स एन अपग्रेड यहां पर एक्सूवी की हेडलाइट्स दिस इज वन क्रिटिकल एरिया एक थ्री के लिए ओवरऑल इसकी हेडलाइट्स का थ्रो इज नॉट द बेस्ट इसकी स्प्रेड अच्छी है बट जो इसका थ्रो है ना वो डेफिनेटली इंप्रूव हो सकता है नेक्सॉन को छोड़ के सारी गाड़ियों में आपको रेगुलर वाइपर्स आते हैं नेक्सोन एक ही गाड़ी है जिसमें आपको एरो ट्विन वाइपर्स आते हैं अब एरो ट्विन वाइपर्स जो रहते हैं वो लगभग तीन गुना महंगे रहते हैं कंपेयर टू तो द रेगुलर वाइपर्स तो ये हो गई ना एक तरीके का कॉस्ट कट फ्रॉम ऑल ब्रांड्स टाटा नेक्सोन को दो सौ आठ का ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है जो ये कैटेगरी में सबसे ज्यादा है को mm का ग्राउंड आता है मारुति ब्रेजा को वन mm, वहीं पे किया सोनेट को 205 सौ पांच एम एम कहा जाता है एंड एक्सुवी थ्री डब्लो है लीस्ट ऑफ ऑल एट वन एटी एम अब सारी एस जो यहाँ पे हैं, इनको टॉप एंड मॉडल पे 16 इंच के टायर्स आते हैं देखिए टायर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रेप इससे ही आता है अब अगर आपको रोड ग्रिप नहीं मिलता है इसका मतलब नो no परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी हो जाती है कॉम्प्रोमाइज हर एक एस यू होना चाहता है ना कि मुझे अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले बट आप जानते हो कि आपकी एस उतनी केपेबल है जितने की उसके टायर्स इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं अपोलो के एपटेरा क्रॉस टायर्स क्योंकि ये देते हैं आपको बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग और आपको ये मिलता है बिना कॉम्प्रोमाइज किए माइलेज एंड टायर की लाइफ पे

Nexon में 16 इंच का टायर आ जाता है बट वो थोड़ा पतला है तो स्पेर में आप यूज तो कर सकते हो बट डेफिनेटली इट्स नॉट अ प्रॉपर फुल साइज वहीं पे आपको में भी एक साइज छोटा व्हील मिलता है इट इज ऑल्सो यूज ये सारे यूज है बट आपको कहीं ना कहीं एक स्पीड लिमिट फॉलो करनी पड़ती है जहां टायर साइज छोटा है एक्स यूवी थ्री डब्लो में फुल साइज का स्पेर दिया गया है ऑन द टी जी डी आई अब बूथ पे इस तो इसका सबसे छोटा बूट स्पेस है एच थ्री डब्लो का यहाँ पे हमने जब सामान डालने की कोशिश की तो एक मीडियम साइज की सूटकेस सूट एक स्मॉल साइज का सूटकेस और एक बैक पैक यहाँ कंफर्टेबली बैठ पाई उससे ज़्यादा सामान यहाँ नहीं लोड कर पाए किया सोनेट में आपको थ्री नाइन्टी लीटर्स का लगभग बूट स्पेस आ जाता है तो यहां पे सारा सामान हमारा जो है स्मॉल मीडियम लार्ज तीनों साइज के बैग्स आराम से बैठ गए बिना किसी इनकन्वीनियंस के टाटा नेक्सॉन में एक्चुअली थ्री फिफ्टी लीटर्स का बूट स्पेस है बट वो लोग थ्री एटी टू का क्लेम करे रियालिटी में चेंज नहीं हुआ है उन्होंने अपने मेजरमेंट के स्टाइल को सिर्फ बदला है तो इसमें भी लार्ज मीडियम स्मॉल तीनों साइज के बैग्स आराम से बैठ गए बिना किसी प्रॉब्लम के शुंड वेन्यू थ्री फिफ्टी लीटर्स ऑफ बूट स्पेस अगेन सारा सामान आराम से बैठ गया लार्ज मीडियम स्मॉल बिना किसी प्रॉब्लम के तो अगर पूरी एक फैमिली रोड ट्रिप पे जा रही है इन सारी गाड़ियों में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है द सेम स्टोरी गोज ब्रेजा यहां पे भी आपको 328 ट्वेंटी एट लीटर्स का बूथ स्पेस है डोंट गो बाय द नंबर क्योंकि यहां पे भी सारा सामान लार्ज मीडियम स्मॉल तीनों सूट आराम से बैठ गए बिना किसी तकलीफ के गेटिंग इन एंड आउट नेक्स में काफी आसान है आपको चढ़ने उतरने में इतनी दिक्कत नहीं होगी थोड़ी गाड़ी ऊंची डेफिनेटली है एंड आई फील क्योंकि इसको एक स्लोपिंग रूफलाइन दिया गया तो रियर में थोड़ा झुक के चढ़ना पड़ता है वेर एज वेन्यू इज वन ऑफ द ईजिएस्ट कार्स टू गेट इन ये बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है अच्छा खासा टॉल प्रोफाइल है इसको तो इस वजह से आगे और पीछे दोनों तरफ चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है वहीं पे मारुति ब्रेजा इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स टू गेट इन एंड आउट काफी कन्वीनियंटली आप इसे कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के एंड ओवरऑल इट्स वेरी इजी टू स्टेप इन एंड आउट किया सोनेट की भी वेन्यू जैसी कहानी है इट्स क्वाइट इजी टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार खास करके फ्रंट डोर पे रियर डोर जो है इज एक्चुअली अ लिटिल लेस वाइडर ओपनिंग तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है बट ओवरऑल सॉन इट इज क्वाइट कन्वीनियंट अब एक्स यूवी थ्री डब्लो जो है इज द शॉर्टेस्ट इन हाइट तो इस वजह से ये थोड़ा झुक के एंट्री देना पड़ता है बट इट इज वेरी कन्वीनियंट टू तो गेट इन टू दिस कार कंपेयर टू एवरीथिंग मतलब इसमें आप लिटरली स्लाइड इन कर सकते हो तो ये एक इसको यहां एडवांटेज आ जाता है अब अगर आप चाबियां देखते हो तो ब्रेजा में आपके पास केवल लॉक और अनलॉक का फीचर आ जाता है युंडा एवेन्यू में आपके पास लॉक अनलॉक आपको कार स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया एंड बूट ओपन का ऑप्शन दिया गया टाटा नेक्सॉन में आपको लॉक अनलॉक बूट ओपन और हेडलाइट स्विच ऑन करने का फीचर दिया गया ये एक यूनिक चीज यहाँ दी गई है सोनेट में आपके पास लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड साथ में कार का रिमोट स्टार्ट का फीचर आ जाता है एक्स्यूवी थ्री में आपके पास लॉक अनलॉक और साथ में बूट ओपनिंग मिल जाता है और साथ में ये एक फ्लिप की मिल जाती है पे वीडियो बने और हम सेफ्टी की बात ना करें ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कभी एक्सयूवी यू थ्री डब्लो को पूरे फाइव स्टार मिले द ग्लोबल एन कैप क्रैश टेस्ट लेकिन बिल्ड क्वालिटी गाड़ी, so no गाड़ी की एवरेज है इट्स नॉट द बेस्ट अगर मैं पूरी कैटेगरी से कंपेयर करूं टाटा नेक्सोन ये नई गाड़ी का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। पुरानी गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ और ये इंडिया की पहली गाड़ी बनी थी जिसको पूरे फाइव स्टार मिले थे अब मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है टाटा मोटर्स इज रेडी फॉर वन मोर क्रैश टेस्ट क्योंकि उन्होंने जो चीजें नए क्रैश टेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए वो चीजों को रेडी किया है एंड इट लुक्स लाइक टाटा मोटर्स इज कॉन्फिडेंट कि इस बार भी अगर टेस्ट पे जाती है नेक्सॉन तो फाइव स्टार आएंगे एंड मेरा एक होता है ना गट फील कह रहा है कि ये लोग ने पक्का टेस्ट पे भेज भी दी होगी गाड़ी वेन यू अगेन नो क्रैश टेस्ट डन बाई ग्लोबल एन कैप ग्लोबल एन कैप सारी गाड़ियों को क्रैश टेस्ट नहीं करता है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है यू नो ऐसे नहीं कि सरकारी कंपनी है कि आपको हर गाड़ी टेस्ट करवा के ही आगे जाना है वैसा कोई नहीं है तो इस वजह से दो गाड़ियों का टेस्ट नहीं हुआ है वहीं पे ब्रेजा ब्रेजा का जो प्री फेसलिफ्ट था उसका क्रैश टेस्ट हुआ था जिसमें इसको फोर स्टार मिले थे सो so अगेन ये सारे स्कोर जो है पुराने ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट के हिसाब से है लेकिन एक चीज जो हुई है ब्रेजा में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट आया है बिल्ड में और मारुति ने जो क्वालिटी डिफरेंशिएशन किया है ब्रेजा में पहले एंड जो पहले विटारा ब्रेजा थी इसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया है शीट मेटल भी पहले से काफी ज्यादा थिक हो चुकी है सो so, चले गाड़ी के अंदर नेक्सॉन ये इस कैटेगरी की लेटेस्ट एंट्रेंट है और इसके इंटीरियर्स बहुत ही प्यारे लगते हैं फिट फिनिश में पहले से काफी सुधार आया जो हमने छोटे-मोटे कंप्लेंट्स किए थे ऑफ द प्री प्रोडक्शन कार्स वहां पे एट द ड्राइव वो चीज यहाँ पे बेटर लग रही है क्लियरली सो वी आर हाइली इंप्रेस्ड इसमें आपको मेजरली हार्ड प्लास्टिक से आते fact, है इनफैक्ट सारी गाड़िया कैटेगरी की मोस्टली आपको हार्ड प्लास्टिक देती है बट आपके पास यहाँ पे एक सॉफ्ट टच एलिमेंट दिया गया है जो लेदरेट रैप्ड है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट अभी भी है इतना सॉफ्ट नहीं है थोड़ा और थिक कर देते तो और अच्छा लगता लेकिन लुक के मामले में काफी प्रीमियम लग रहा है ड्राइवर के सारे टच पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे सॉफ्ट ही हैं। अब इसकी फ्रंट सीट जो है ना अच्छा खासा कंफर्ट देती है आ, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है बहुत ज्यादा स्टिफ फर्म नहीं है तो इस वजह से अगर आप एक लंबे सफर पे भी जाते हो तो आपको आसानी से थकावट नहीं होने वाली है अब नेक्सॉन में बहुत सारे फीचर्स आ गए मैं आपके लिए सारी लिस्ट छोड़ रहा हूँ लेकिन अगर हम यूनिक चीजों की बात कर ले तो इसमें ब्लाइंड मॉनिटरिंग आ जाता है साथ में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है ये प्रॉपर न्यू जनरेशन का डिजिटल स्क्रीन दिया गया है आपके पास सेकेंड रो पैसेंजर्स में तीनों के पास थ्री पॉइंट सीट बेल्ट अवेलेबल कराई गई है और इसमें आपको टोटल स्पीकर्स आते हैं JBL के इज द हाईएस्ट ब्रांडेड भी है प्लस साथ में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स जो कैटेगरी में गाड़ियां देती है वो नेक्सॉन ही है वेन्यू के इंटीरियर्स हमेशा से एकदम सिंपल रहे हैं एंड इजी टू ऑपरेट यहाँ पे जो प्लास्टिक क्वालिटी है फिट फिनिश है ये सब में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं था ना ही आज दिखाई दे रहा है

हार्ड प्लास्टिक्स ही मेजरली दिए गए लेकिन ड्राइवर के सारे टच पॉइंट सॉफ्ट अवेलेबल अब की फ्रंट जो है काफी सॉफ्ट हो जहां आप पे जाते हो, तब आप के अंदर थोड़े लगते हो, आपको थोड़ा यू नो अनकंफर्टेबल की जैसा फील होने लगता है वहां पे अदरवाइज इट्स अ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल में पहले से काफी ज्यादा नए फीचर्स आ गए हैं

हार्ड प्लास्टिक so really इसकी जो फ्रंट सीट्स है ये अच्छा खासा सपोर्ट देती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है बहुत ज्यादा फर्म नहीं है और ओवरऑल इसकी कंफर्ट इज गुड इनफ तो अगर आप शहर में चल रहे हो दो चार घंटे के लिए यू कंफर्टेबल लेकिन अगर आप एक लंबे सफर पर जाते हो थोड़ी सीट अनकम्फर्टेबल फील होगी खास करके अगर आप काफी ज्यादा वाइड हो वरना अगर आप पतले हो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल ऑन दीज सीट्स आप लंबे सफर पे इजीली जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के अब सोनेट में क्या क्या फीचर्स आते हैं ऑल दिस विथ यू और कुल मिला के सोनेट में कुछ यूनिक फीचर्स भी है रियर पैसेंजर्स को सन ब्लाइंड आ जाता है आपके पास डीजल में प्रॉपर ऑटोमेटिक आता है जो कोई और ये कैटेगरी में नहीं देता है देन यू गेट लाइटिंग इन द कार और इसमें आपको मल्टीपल ट्रैक्शन मोड्स भी अवेलेबल कराए गए हैं है। पहले इसमें और एक यूनिक फीचर था विच वो वेंटिलेटेड सीट्स बट आप वो टाटा नेक्सॉन में भी अवेलेबल करा दी गई है एक्स्यूवी थ्री डब्लो ये वो गाड़ी है जिससे महिंद्रा की ब्रांड इमेज एक्चुअली चेंज होने लगी थी ये पहला प्रोडक्ट था ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स है, वो काफी बढ़िया लेकिन ओवरऑल मेजरली हार्ड प्लास्टिक्स ही दिए गए। ड्राइवर के सारे टच पॉइंट सॉफ्ट यहाँ अवेलेबल करा दिए गए अब अगर मैं इसके प्रीमियम ने इसकी बात कर लू तो जब ये लॉन्च हुई थी तब काफी प्रीमियम फील होती थी बट अब लगता है सबने कैचअप कर लिया है एंड उनके इंटीरियर इससे ज्यादा नए और प्रीमियम लग रहे हैं यहां पे आपके पास जो फ्रंट सीट है ये सबसे कंफर्टेबल है मार्क माय वर्ड्स एक्सुवी थ्री डब्लो की सीट इस पूरी कैटेगरी में सबसे कंफर्टेबल है काफी वाइड है लंबे सफर पे जाना है सिटी में चलाना है आपको थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होगी इस एस में मैंने घंटों घंटों तक ड्राइव किया एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि सारी एसयूवी में से सबसे कंफर्टेबल इसी की सीट्स है आज के तारीख में अच्छा

आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपका टायर कौन से डायरेक्शन में ये आपको बता देता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसे आप अपने व्हील्स को स्ट्रेटन आउट कर सकते हैं टाटा नेक्स में आपको ड्राइवर की सीट कंप्लीटली मैन्युअली एडजस्टेबल दी गई है वेर एज ह्युंडा एवेन्यू में आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट है लेकिन जो सीट हाइट एडजस्टमेंट है वो मैन्युअल है मारुति ब्रेजा में कंप्लीट मैन्युअल सीट एडजस्टमेंट दिया गया है द सेम स्टोरी गोज विथ गियस ऑन एवरीथिंग इज मैन्युअली कंप्लीटली एडजस्टेबल चाहे वो हाइट की हो या रिक्लाइन की बात की जाए एक्सीबी थ्री डब्लो में भी कंप्लीट मैनुअल एडजस्टमेंट दिया गया है विच इवन इंक्लूड्स योर सीट हाइट एडजस्टमेंट एज वेल टाटा नेक्सॉन का स्टेयरिंग व्हील आप हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हो रीच एडजस्टमेंट नहीं है वेन्यू में आप हाइट एंड नो रीच ब्रेजा में आप हाइट एंड रीच तो इसमें आपको टेलेस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील आता है कि या सॉनेट में आपके पास हाइट एडजस्टमेंट है नो रीच द सेम स्टोरी गोज विथ एक्स यूवी थ्री डब्लो हाइट एडजस्टमेंट है नो no रीच नेक्स में आपका जो टच स्क्रीन है अ टेन पॉइंट टू इंच जो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स देता है इसकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी एंड जो टाटा के एक डाउन साइड थे वो कंप्लीटली सॉर्टेड है वेन्यू की भी टच स्क्रीन काफी बढ़िया है इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है एंड ओवरऑल इट फील्स नाइस टू ऑपरेट एज वेल मारुति ब्रेजा का भी स्क्रीन की क्वालिटी हैज बीन इंप्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और आज इनकी टच स्क्रीन भी काफी बेहतरीन हो गई है इट्स वेरी इजी एंड नाइस टू ऑपरेट सोनेट की स्क्रीन इज गुड रिस्पॉन्सिव इवन इसका जो यू आई है दैट्स वर्थ मेंशनिंग की बहुत सिंप्लीफाइड एंड काफी ईजी टू यूज है अब यहाँ पे एक्स यू थ्री डब्लू का सिस्टम भले ही रिस्पॉन्सिव है लेकिन इन सबसे कंपेयर करेंगे तो ये डेफिनेटली एक आउटडेटेड सिस्टम आपको यहां दिया गया है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द काराटा नेक्सॉन हैज द बेस्ट थ्री सिक्सटी कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है लेंस की आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है अगर आप टच स्क्रीन पर से यूज कर रहे हो एंड इवन वेन यू यूज द स्क्रीन एट नाइट यू विल नॉट एट ऑल बी डिसअपॉइंटेड टाटा मोटर्स के जो कैमरा की क्वालिटी पहले थी बहुत खराब थी दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब ऑन इट युंडई वेन्यू की कैमराज हमेशा से अच्छी थी इनफैक्ट आप कोई भी हुंडई की कैमराज देख लो दे हैव ऑलवेज बीन वेरी नाइस एंड वेन्यू इज नो डिफरेंट रात को भी जब आप इसे इस्तेमाल करते हो इसमें आपको क्लैरिटी अच्छी खासी मिल जाएगी जिस वजह से आप इसे इजिली इस्तेमाल कर पाओगे ब्रेजा में भी थ्री सिक्सटी कैमरा आता है विच हैज गुड इनफ क्लैरिटी इन द डे दिन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रात में थोड़ी ग्रेनी फील होगी बट ओवरऑल द इज नथिंग बैड इन इट आई लाइक दिस कैमरा ऑल्सो सॉन इट हैज द बेस्ट सिंपल रिवर्स पार्किंग कैमरा इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है दिन में और रात में दोनों में आई विश इसमें 360 कैमरा होता ऑफ ऑल एक्सीवी थ्री डब्लो कैमरा इज नॉट द बेस्ट इसे डेफिनेटली अपग्रेड की जरूरत है बाकी सबने एक बेंचमार्क सेटअप किया और एक्सीवी थ्री डब्लो स्टिल नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ कैचिंग अप इन दिस पॉइंट एटलीस्ट क्सॉन के फ्रंट डोर पैड में आप एक बॉटल बिठा सकते हो इसका ग्लव बॉक्स काफी बड़ा है और यहां पे आप काफी ज्यादा सामान भी इजीली ले जा सकते हो बिना किसी इनकन्वीनियंस के और नेक्सॉन में आपके पास कप होल्डर सेंटर में नहीं दिया गया है आमरेस्ट में आपको फ्रंट में डालना पड़ेगा रियर में आपके पास डोर पैड में एक बॉटल बैठ जाती है रियर में आपके पास दो आमरेस्ट भी मिल जाते हैं एंड साथ में आपके पास वेन्यू में भी डोर पैड में एक लीटर की एक बॉटल बैठ जाएगी ग्लव बॉक्स डीसेंट इनफ साइज है नेक्स एंड वेन्यू दोनों के ग्लव बॉक्स कूल्ड है वेन्यू में आगे कप होल्डर्स भी दिए गए हैं यू ऑल्सो हैव स्टोरेज इन द फ्रंट आप चाबी रख सकते हो वहाँ पे सेकेंड रो में आपके पास डोर पैड में स्टोरेज दी गई है आपके पास पीछे सीट के पीछे जगह दी गई है कप होल्डर्स में भी जगह आपके लिए दी गई है इन द वेन्यू ब्रेजा में आपके पास एक लीटर की बॉटल आराम से बढ़ जाएगी इन द डोर पैड इसका ग्लव बॉक्स डिसेंट अनफ है नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल और यहाँ पे डिसेंट एनऑफ स्टोरेज है आमरेस्ट इसका नॉट सो डीप है एंड आपके पास आगे दो कप होल्डर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं इन द ब्रेजा आपके पास थोड़े और स्टोरेज स्पेसेस है जैसे चाबी रख सकते हो आपके पास पीछे भी एक लीटर की बोतल आराम से बैठ जाएगी आपके पास पीछे सीट के पीछे जगह दी गई है और आपके पास आमरेस्ट भी है इन द रियर सीट किया स्टॉनेट में आपके फ्रंट डोर पैड में एक लीटर की बोतल आराम से बैठ जाती है आपके ग्लव बॉक्स में डिसेंट इनफ स्टोरेज स्पेस है और आपका आमरेस्ट अगेन इज नॉट द डीपेस्ट ऑफ ऑल और आपके पास फ्रंट में कप होल्डर्स भी दिए गए रियर डोर पैड में एक लीटर की बोतल बैठ जाती है पीछे आपके पास स्टोरेज दी गई है दो जगहों पे एक्स यूवी थ्री डब्लो के फ्रंट डोर पैड में आपके पास एक लीटर की बोतल रखने की जगह है और एक और एक जगह है जहाँ पे आप बेसिकली एक कप या कुछ और भी रख सकते हो ग्लव बॉक्स इसका डिसेंट इनफ है नॉट द बिगेस्ट ओवरऑल डिसेंट इनफ स्टोरेज यहाँ मिल जाती है आपके पास ऊपर भी यहाँ स्टोरेज है फोन रखने के लिए आर्म रेस्ट इसका अच्छा खासा डीप है दिस इज द डीपेस्ट आर्म रेस्ट ऑफ ऑल इन दिस कैटेगरी फ्रंट में आपका फोन रख सकते हो बट बड़े साइज के फोन थोड़े मुश्किल हो जाएंगे बिठाने को दो कप होल्डर्स भी दिए गए रियर में आपके पास एक डोर पैड में एक बॉटल भी बैठ जाएगी और पीछे आपके पास स्टोरेज है टू तो कीप दीज फाइल्स एंड पीछे रेस्ट में आप कपोल्डर्स भी इजीली बिठा सकते हैं नेक्स्ट ऑन में आगे आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट आ जाता है यूएसबी आ जाता है और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है और आपके पास एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी फ्रंट में अवेलेबल कराया गया है रियर पैसेंजर्स के पास टाइप सी एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल करा दिए गए टाटा नेक्सॉन में रियर में भी आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है एज एन एक्स्ट्रा ऑप्शन टू चुनई वेन्यू में आगे आपके पास टाइप सी 12 वोल्ट और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स है और साथ में फ्रंट में आपके पास वायरलेस चार्जिंग की भी जगह दी गई है फॉर योर स्मार्टफोन सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल करा दिए गए ब्रेजा में एक यूएसबी ट्वेल्व वोल्ट और एक वायरलेस चार्जिंग पैड अवेलेबल कराया गया विच कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ एज पर योर कन्वीनियंस रियर में आपके पास एक टाइप सी और एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल कराया गया सोनेट में आपके पास यूएसबी दो है और एक ट्वेल्व वोल्ट है और एक ऑफ कोर्स वायरलेस चार्जिंग पैड भी है जो कूल्ड है और रियर में आपके पास एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है एक्सीवी थ्री डब्लो में दो यूएसबी और एक ट्वेल्व वोल्ट चार्जिंग पोर्ट है इसमें वायरलेस चार्जर नहीं अवेलेबल कराया गया रियर में आपके पास अनफॉर्चुनेटली चार्जेस नहीं है अब नेक्सॉन में जब हमने तीन लोगों को पीछे बिठाया तो इनके पास अच्छा खासा शोल्डर रूम है द शोल्डर रूम इज अमेजिंग ओवरऑल नी रूम इज डिसेंट इनफ चाहे मैं मिनिमम बोलू या मैक्सिमम एंड हेड रूम इज ओके इट्स नॉट द बेस्ट क्वेश्चनिंग बढ़ने की वजह से हेडरूम थोड़ा कम फील हो रहा है थाई सपोर्ट इज ऑल्सो प्रिटी गुड ऑन द नेक्सॉन वेन्यू का शोल्डर रूम इज नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल आपके पास ओवरऑल मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम अच्छा खासा है हेडरूम भी अच्छा खासा है थाई सपोर्ट इज गुड मारुति ब्रजा में जब तीन लोग बैठते हैं इनके पास अच्छा खासा शोल्डर रूम है मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम अगर आप देखते हो तो ये काफी बढ़िया दिया गया है आपका हेडरूम भी काफी अच्छा है एंड थाई सपोर्ट इज प्रिटी गुड किया सॉन में जब तीन लोग पीछे बैठते हैं ओवरऑल इनका जो शोल्डर रूम है दैट्स वेरी एवरेज आपके पास अच्छा खासा नी रूम है मिनिमम मैक्सिमम दोनों में हेडरूम इज वेरी गुड टू एंड जो आपका थाई सपोर्ट है दैट इज नाइस एज वेल एक्स थ्री डब्लो ये सबसे वाइडेस्ट कार एंड यहां पे आपके पास मैक्सिमम शोल्डर रूम है ओवरऑल मिनिमम रूम एंड इवन जो मैक्सिमम रूम है इज द बेस्ट इन द कैटेगरी हेडरूम इज ऑल्सो डिसेंट इनफ बट इसका थाई सपोर्ट इज ओके कर देते नेक्सॉन को स्टार्ट डाल देते इन द ड्राइव मोड एंड वी गो अब नेक्सॉन में आपको दो इंजन ऑप्शन लीटर का पेट्रोल इंजन आता है टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है अब ये दोनों इंजन में आपको ए एम मैनुअल अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस आ जाते हैं पेट्रोल में तीनों आ जाते हैं बट डीजल में आपको केवल मैनुअल एंड ए मिल जाता है अब अगर मैं नेक्सॉन पेट्रोल की बात कर लू तो ये इंजन वही है जो पहले आती थी परफॉर्मेंस की कमी नहीं थी थोड़ा बहुत इंजन नॉइजी है जैसे ही मैं एक्सीडेंडर दबाता हूं थ्रोटी एग्जॉस्ट दिया एक थ्री सिलेंडर इंजन है और साथ ही में इसमें आपको अच्छा खासा पिकअप भी मिल जाता है शहर में चलाना है हाईवे पे जाना है कोई इश्यू नहीं पिकअप इंजन में अच्छा खासा है सो ओवरटेकिंग इज नॉट अ कंसर्न बट जो इसमें नया डी सी ए गियरबॉक्स आया है वो बहुत क्विक नहीं है यानी कि उसके शिफ्ट देखो जनरली ड्यूल क्लच गियर बॉक्स जो रहता है ना वो आपको बहुत क्विक शिफ्ट देता है अब इसमें आपको ज्यादा स्मूथ शिफ्ट दिए गए क्योंकि ये एक एट द द एंड ऑफ डे फैमिली कार है क्योंकि वो जो क्विक आते हैं उसमें आपको काफी बार डाउन शिफ्ट करते टाइम काफी झटका भी फील फील होता है यू दैट जर्क तो इसी वजह से इसको ज्यादा स्मूथ किया ताकि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल सके अब इसमें आपको तीन ड्राइविंग मोड्स आते हैं सिटी इको एंड स्पोर्ट एंड ओवरऑल पिकअप गाड़ी का काफी बढ़िया है इसमें आप पैडल मैन्युअली तो डाल सकते हो लेकिन अगर आपको ड्राइव पे वापस डालना है देन इन दैट केस आप वो जो लॉन्ग प्रेस करते हो पैडल शिफ्टर को वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है आई थिंक दैट विल बी मेड अवेलेबल सुन जो उन्होंने मेरे को फीडबैक पे कहा था इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग द कार इज फैंटेस्टिक इट्स क्वाइट ईजी टू ड्राइव ऑल्सो इसमें जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है वो आपको अच्छा खासा पिकअप देता है बेटर पेट्रोल ऑल्सो और इसकी ओवरऑल पिकअप परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है डिस्पाइट being अ डीजल इसका क्लच काफी लाइट है एंड गियर shifts आर वेरी स्मूथ इसमें आपको डीसीए दिया गया विच आई फील इज नॉट द बेस्ट गियर बॉक्स ऑप्शन राइट नाउ एंड वो चीज थोड़ी और बेहतर हो सकती थी अब नेक्सॉन में आपको बॉनेट के एजेस नहीं

असिस्टेंस मिल जाएगा वहाँ पे। अब की राइड क्वालिटी अच्छी है लाइटेस्ट ऑफ ऑल ऑफ नेक्सॉन में ओवरटेक में करना है या हाईवे पे ओवरटेक करना है चाहे पेट्रोल हो या डीजल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अच्छा खासा पिकअप मिल जाता है इन बोथ दीज इंजिन Uh, दोनों इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है अब डीसीए के साथ हमने इस गाड़ी को टेस्ट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ माइलेज, बट ये इंजन हमेशा से फ्यूल एफिशिएंट रही है तो मैं आपके साथ फ्यूल एफिशिएंसी फिगर शेयर कर रहा हूं सिर्फ डीसीए जो है वो एस्टिमेटेड है हमने उसे अभी तक रियल लाइफ टेस्ट नहीं कर पाए कर देते वेन्यू को स्टार्ट डाल दिया फर्स्ट गियर में गो वेन्यू में आपके पास तीन इंजन ऑप्शन आते हैं एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है ये उनके लिए सूटेबल है जिनको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए जिनको यू नो एक अच्छी गाड़ी चाहिए शहर में थोड़ा बहुत गाड़ी चलाते हैं बहुत ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करते उनके लिए 1.2 लीटर इंजन बहुत बजट फ्रेंडली बन जाती है एकदम क्वाइट इंजन है अच्छा खासा पिकअप दे देती है शहर के अंदर और हाईवे पे भी अगर आप कभी कभार जाते हो इट्स ओके आप अस्सी नब्बे पे कंफर्टेबली क्रूज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के अगर आप वन लीटर टर्बो पेट्रोल देखते हो तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो इसमें आपको पिकअप ज्यादा बेहतरीन है कॉस्ट भी डेफिनेटली बढ़ जाता है टर्बो पेट्रोल इंजन का और साथ ही में आपको इसे भगाने में भी चलाने में भी काफी मजा आएगा तो ओवरटेक करना इसमें बहुत आसान है शहर में हाईवे पे इनफैक्ट आपके पास इसमें मैन्यूल आई और साथ में यू ऑल्सो गेट अ सेवन स्पीड डी ऑप्शन ऑन दिस कार तो इस वजह से अगर आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्राइव है या आप हाईवे पे काफी तेज जाते हो हाईवे पे काफी फ्रीक्वेंटली जाते हो तो आपके लिए टर्बो पेट्रोल इंजन वहां पे ज्यादा सुटेबल इंजन ऑप्शन बन जाता है और अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ही ज्यादा है देन इन दैट केस डीजल इंजन आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन है क्लच बहुत ही स्मूथ है लाइट है गियर शिफ्ट एकदम आसान है ऐसे नहीं कि यार मेहनत करके गियर डालना पड़ रहा है बिल्कुल नहीं एकदम आराम से आपका गियर भी स्टार्ट होता है सो so, ओवरऑल जो गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी है वो काफी अच्छी है तीनों इंजन में बोलते हैं ना एकदम स्मूद। वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिल जाता है अब ओवरऑल गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है पिकअप है वो सब बहुत अच्छा है और अगर आपने ज्यादा गाड़ी नहीं चलाई इससे पहले तो इसे चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी गाड़ी काफी कन्वीनियंट है टू ड्राइव हाँ एक चीज याद रखना इसका जो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा स्टिफ है यानी कि जब आप गड्ढों से जाते हो तब आपको गड्ढे थोड़े बहुत महसूस होंगे एंड हैंडलिंग में गाड़ी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है एज अ नॉर्मल कार ड्राइवर आप आराम से पूरा दिन चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम हाई स्पीड पे भी अगर आप भगाओगे अस्सी नब्बे सौ एक तभी भी ना आपको वो यू नो कॉन्फिडेंस अच्छा खासा रोड पे चलाते टाइम मिल जाएगा के edges दिख जाते है। size आप कंपेरेटिवलीस्ट गाड़ियों से काफी ऊंचे बैठ जाते हो जिस वजह से आपको एक थोड़ा वो एस यूबी टाइप फील डेफिनेटली यहाँ आता है ब्रिजा को कर देते स्टार्ट डाल दिया फर्स्ट गियर में एंड यो वी गो ब्रेजा में आपके पास केवल एक ही इंजन ऑप्शन आता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड या नॉन टर्बो इसे कहते हैं अब अगर आपको लग रहा है कि 1.5 मींस अ लॉट मोर पावर तो वो कहानी सही नहीं है क्योंकि टर्बो में अगर आप एक 1 लीटर 1.2 लीटर टर्बो देखते हैं वो जनरली एक 1.5 1.6 लीटर नॉन टर्बो इंजन जैसा पावर आपको देता है परफॉर्मेंस सो so, इस वजह से डिफरेंसिएशन ज्यादा नहीं है आप वन लीटर टर्बोलो यान पॉइंट फाइव लीटर आपको परफॉर्मेंस में एक मेजर नहीं मिलने वाला एंड द सेम स्टोरी गोज ब्रेजा ऑल्सो अब ब्रेजा की खासियत यह जैसे आप एक्सलटर दबाते हो आपको तुरंत ही पावर मिल जाते तो शहर के अंदर अगर आप चला रहे हो आपको ज्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है मतलब बोलते हैं ना अगर आप पहले बार गाड़ी ले रहे हो एंड यू नो गियर शिफ्टिंग की आदत नहीं रहती कि कब गियर डालना है तो ये एडवांटेज आपको ब्रेजा में आ जाता है कि आप लिटरली ऑलमोस्ट कौन से भी गियर में पुल कर सकते हो शहर के अंदर जो ईज ऑफ ड्राइविंग आपको ब्रेजा देती है शहर में वो मुश्किल से कोई और गाड़ी दे पाएगी अच्छा मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो सो so, अस्सी नब्बे तक तो ये गाड़ी आराम से पुल कर लेगी लेकिन उसके बाद इसका एक्चुअल स्ट्रगल शुरू होता है आपको 90 100 के ऊपर जाना है तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गियर शिफ्ट डाउन करने पड़ेंगे जो सिटी में कन्वीनियंस दे रहा है ना उसका सॉर्ट ऑफ समवेयर यू नो उल्टा हो जाता है ऑन द हाईवे और ये केवल एक ही गाड़ी है जिसका टॉप एंड मॉडल भी इस कैटेगरी में आपको फाइव स्पीड मैनुअल के साथ अवेलेबल करा दिया गया अब ब्रेजा में और एक चीज बहुत बढ़िया पता है क्या है इसकी राइड क्वालिटी आप खराब रोड्स पे चलाओगे ना आपको गड्ढे महसूस ना के बराबर होते हैं अब अगर आप ब्रेजा पहले बार चला रहे हो आपको लग रहा है कि ये बड़े साइज की गाड़ी है तो आप इसमें यूज इट मुश्किल से चार पाँच फिनट में हो जाए अगर आप वैगनर स्विफ्ट वगैरह भी चलाते थे इससे पहले आपको ये गाड़ी में यूज टूविट होने में समय लगने ही नहीं वाला है मतलब गाड़ी चलने लग गई दो चार या मे बी पाँच फ्रेट में यूल गेट यूज टू इट सो तो ये इसकी सबसे बड़ी यू नो क्वालिटी है यहाँ पे कि इसकी जो ईज ऑफ ड्राइविंग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है वन ऑफ द बेस्ट है खास करके अगर आपने मारुति गाड़ी पहले ओन की हुई है अच्छा और एक चीज इसकी हैंडलिंग भी काफी अच्छी है अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं आपको थोड़ा पुश करना है गाड़ी को तेजी से गाड़ी जाना है जब चलती है सौ एक सौ बीस पे या इवन अगर आप यू नो तेज टर्न करते हो तो आपको बॉडी रोल वगैरह ऐसे बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता है आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप इसे चलाते हो स्टीयरिंग व्हील भी काफी लाइट है और इस वजह से आपका जो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो और बेहतरीन हो जाता है सो so, ब्रेजा की ये सारी गुण बहुत ही बढ़िया है फॉर अ न्यू बायर या फिर जो पहली बार एस ले रहा है या पहली बार थोड़े बड़े साइज की गाड़ी ले रहा है अब ब्रेजा में आप बॉनिट के एजेस भी देख सकते हो मेरा साइज भी डिसेंट अनफ है और जो उसके पिलर्स है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं है तो इस वजह से आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप नैरो रोड्स पे भी गाड़ी चला रहे हो और इसे घुमाना भी शहर के अंदर काफी कन्वीनियंट है तो इस वजह से आपका जो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया हो जाता है इसका जो ऑटोमेटिक आता है उसमें आपके पास पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं जिस वजह से आप ज्यादा तेजी से गियर शिफ्ट कर सकते हो और ये गाड़ी केवल पेट्रोल इंजन में अवेलेबल है और सी आया है हाल ही में लेकिन डीजल या हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक इसमें नहीं आता है कर देते सोनेट को स्टार्ट डाल दिए गाड़ी को ड्राइव में एंड ये गो अब सोनेट में भी आपको तीन इंजन ऑप्शन टू लीटर का पेट्रोल इंजन है जिनको ज्यादा ड्राइविंग नहीं है ना ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है शहर के अंदर मेजरली चलाना है उनके लिए वो इंजन एक अच्छा वैल्यू बन जाता है अब अगर आप वन लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लेते हैं वो आपको ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है ऑफकोर्स पैसे भी ज्यादा लगते हैं आपको उसके लिए लेकिन ये उनके लिए सूटेबल है जो हाईवे पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाते हैं जो गाड़ी भगाते हैं जिनको परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी में और जो बहुत फ्रीक्वेंटली हाईवे पे 100, 120 की स्पीड पे चलाते रहते हैं उनके लिए जो है टर्बो पेट्रोल इंजन ज्यादा बेहतरीन है और वहीं पर डीजल इंजन भी उसी तरह का है कि आपको अगर पिकअप चाहिए और आपकी रनिंग काफी ज्यादा है तब आप डीजल की तरफ जा सकते हैं अब सोनिट केवल एक ही गाड़ी है ऑलरेडीट एंड यूनिक फीचर्स के आपके पास डीजल ऑटोमेटिक भी यहाँ आ जाता है विच इज अग प्लस पॉइंट क्योंकि आज कोई भी आपको प्रॉपर डीजल ऑटोमेटिक नहीं दे रहा है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार नेक्सॉन में वो आ जाए बट नेक्सॉन में भी डीजल में ए ही मिल रहा है सो so, ओवरऑल जो ड्राइविंग एलिमेंट है इस गाड़ी के वो बहुत कंफर्टेबल है आपको एक अच्छा प्रीमियम कार का फील देते है ये जब भी आप इसमें आके बैठते हो आपको लगेगा हाँ यार ये डेफिनेटली प्रीमियम गाड़ी है और बहुत कन्वीनियंट है ऐसे चलाना ऐसे नहीं कि यू you नो know, बड़ी है मुश्किल है चलाना अब साइज तो ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर ही है बट चलाने में ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है इससे पहले अगर आप यू नो वैगनार आर आप छोटी गाड़ी भी चलाते थे ना आपको समय नहीं लगेगा इसमें आदत लगने में सो ओवरऑल बहुत ही कन्वीनियंट कार है टू तो ड्राइव पूरा दिन भी चलाना है हाईवे पे जाना है इवन अगर आप वो गली नुक्कड़ एकदम टाइट जगह पे चलाओगे ना तभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि आपको पूरा ऑलमोस्ट बॉलेट के एजेस दिख जाते हैं आपका मिरर साइज भी डीसेंट है और आपके जो पिलर है ना ये बहुत थिक नहीं है तो इसी के कारण आपकी ड्राइविंग जो है ना वो बहुत आराम से हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के अब एक हाईलाइट ये कि अगर आप वन लीटर का पेट्रोल इंजन लेते हैं तो वो आपके सिटी रनिंग के लिए अच्छा है कन्वीनियंट एकदम स्मूथ गियर बॉक्स है इंजन भी नॉइज नहीं करता है आप 60, 80, 90 तक की स्पीड पे हाईवे पे आराम से जा सकते हैं हाँ अगर आप 100 के ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ जाएगी वहीं पे जो वन लीटर टर्बो पेट्रोल है वो हाईवे पे आराम से चला सकते हो उसमें ओवरटेक करना भी शहर में हाईवे पे बिना किसी प्रॉब्लम के आप इजीली कर सकते हैं वहीं पे जो डीजल इंजन है अगेन डीजल इज आल्सो फ्लॉलेस आप हाईवे पे चलाओ शहर में चलाओ ओवरटेक करना है कोई प्रॉब्लम नहीं इनफैक्ट इसका डीजल इंजन इज देन मोस्ट ऑफ द कार्स का पेट्रोल इंजिन so ये एक और एक उसके बेनिफिट में आ जाता है अब सोनेट uh, की राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ है और हैंडलिंग भी डिसेंट इनफ है लेकिन ऐसे नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा हाईवे पे आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप सौ की स्पीड पे भी चलाते हैं सोनेट का स्टीयरिंग व्हील भी काफी लाइट है और अगर आप पूरा दिन भी गाड़ी चलाते हैं आपको आसानी से थकावट नहीं होने वाली है तो ये चीजें आपके फेवर में जाती है अगर आप सोनेट लेते हो आप लंबे सफर पे जाते हो शहर में चलाते इट्स तो वेरी एंड इजी टू ड्राइव एक चीज मेरे हिसाब से थोड़ी और बेहतर हो सकती थी इस तो गाड़ी में है कि इसका जो टच स्क्रीन है ना वो काफी ऊपर तक आता है और जो मिरर है वो भी थोड़ा बड़ा साइज का है क्योंकि ऑटो डे एंड नाइट है तो इसकी बीच की गैप ना आपके लिए कम रहेगी इन टर्म्स ऑफ तो विजिबिलिटी खास करके अगर आप एक टॉल पैसेंजर हो जैसे मैं तो मेरे लिए थोड़ा वो एक ऑब्स्ट्रक्शनल व्यू आ जाता है राइट में अगर मुझे देखना है कर देते थ्री डब्लो को स्टार्ट डाल दिया फर्स्ट गियर में एंड हियर वी एक्स यू वी थ्री सारी जो गाड़ी है ना सब सब एस अगर आप देखते हो सबसे ज्यादा मज़ा आपको चलाने में इसी को आएगा जो इसका परफॉर्मेंस है चाहे पेट्रोल की बात कर लो या डीजल की बात कर लो टी जी डी आई इज ऑल्सो लॉट मोर फन देन एवरीथिंग एल्स इन द कैटेगरी बट जो इनकी दोनों इंजन है बहुत ही बढ़िया पिकअप देते आई मीन I mean, आप एक्सीडर दबाओगे एंड यू इंजॉय ड्राइविंग एंड मतलब ये एक ही ऐसी गाड़ी है जो आपको आपके चेहरे पर मुस्कान लेके आ जाती है कैटेगरी आप फीचर्स की बात कर लो टेक्नोलॉजी की बात कर लो और दूसरा जो ड्राइविंग प्लेजर एक तरफ है यू you नो know, सब कुछ एक तरफ ड्राइविंग प्लेजर एक तरफ और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, Handling बहुत बड़ी है गाड़ी की इवन राइड क्वालिटी खराब रोड्स पे भी इसे चलाओगे तो आपको गड्ढे महसूस नहीं होने वाले so, ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से आ जाती है जो इसे डिफ्रेंशिएट करती है बाकी सारी गाड़ियों से नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बट इवन जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये सुपर लाइटेस्ट सबसे लाइटेस्ट है इस पूरी कैटेगरी का लेकिन फिर भी इसका फीडबैक बहुत ही बढ़िया है सो so, ये सब कुछ इसके फेवर में जाता है अगर इससे पहले आपने कोई ज्यादा गाड़ी नहीं चलाई है यू आर कंपेरेटिवली न्यू टू ड्राइवर कार तो ये गाड़ी में आपको जजमेंट में प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है बॉनेट के ऑलमोस्ट एजेस पूरे दिख जाते हैं मिरर्स बड़ा साइज में है तो ब्लाइंड स्पॉट का आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है एंड इट्स सुपर कन्वीनियंट ये गाड़ी दिन भर आप चला सकते हो यू विल स्टिल नॉट गेट टायर्ड दिस इज बाकी सारी गाड़िया अच्छा करती है बट दिस इज ब्रिलियंट अब इसमें आपके पास सिक्स ए एम टी ऑप्शन अवेलेबल कराया गया चाहे पेट्रोल हो या डीजल टी जी डी आई केवल मैन्युअल में आता है बट एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ इसका जो ए एम टी है कंपेर्ड टू मोस्ट ए एम टी जो मार्केट में आते हैं उन सबसे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है ये सो ऑफकोर्स इट इज एन ए एम टी रहेगा लेकिन क्योंकि इसका जो इंजन का पावर है उस वजह से जो आपका ड्राइव एक्सपीरियंस हो जाता है इज फैंटेस्टिक आई मीन दिस इज जस्ट अ फैटेस्टिक प्रोडक्ट आई रियली विश इस गाड़ी में ए की जगह नॉर्मल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आए जिससे इसकी ड्राइविंग और बेहतरीन हो जाएगी बट एम टी इज नॉट बैड एट ऑल इसे शहर में भी ड्राइव करना है काफी करने की हो दे इन दैट केस आपको दिक्कत नहीं आएगी आप एकदम आराम से वो कर सकते हो थैंक्स टू द सुपर लाइट स्टीयरिंग वीट स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने देखा कि नेक्सॉन में आपको बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी मिल जाती है Venue's ride quality is a little stiffer. Brezza actually has amazing ride quality, and Kia Sonet again is a little on the stiffer side. Or XUV 300, I think this car wins it outright. ब्रेकिंग टेस्ट में नेक्सॉन की ब्रेकिंग काफी बढ़िया है देर इज नो कंप्लेन एज सच आपके पास वेन्यूम की ब्रेकिंग इज ऑल्सो प्रेटी गुड ब्रेजा की ब्रेकिंग इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट है सॉनेट में आपको डिसेंट अनफ ब्रेकिंग मिल जाती है बट बेस्ट ब्रेकिंग ऑफ ऑल एक्स यू थ्री डब्लू देर इज नो टू वेज अबाउट इट बेस्ट ब्रेकिंग यही देती है नेक्सॉन अपने टर्बो पेट्रोल इंजन की वजह से काफी आसानी से हिल्स पे चढ़ जाती है चाहे पेट्रोल की बात कर लो या डीजल कोई स्ट्रगल इसमें नहीं आता अंदर न्यू डी सी ए बोलते हैं ना मक्खन है एकदम वेन्यू में भी आपको अच्छा खासा पावर मिल जाता है आप 1.2 पॉइंट टू पेट्रोल जो है उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बट जो टर्बो पेट्रोल एंड टर्बो डीजल है उसमें आपको बहुत बढ़िया पावर है नो स्ट्रगल एट ऑल ब्रेजा को लो एंड टॉर्क अच्छा होने की वजह से ये पहाड़ पे आराम से चढ़ जाएगी और आपको यहां कहीं पे भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा इवन व्हेन यू हैव लाइक थ्री फोर पीपल ट्रैवलिंग इन द कार सो जो लो एंड स्पीड्स चाहिए वो आपको अच्छे टॉर्क की वजह से मिल ही जाएगी इसमें वहीं पे सॉनेट अगेन द टर्बो पेट्रोल एंड टर्बो डीजल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है बट जो इनकी वन लीटर इंजन है पेट्रोल वाली उसमें आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कंपेरेटिवली एंड एक्स यूवी थ्री डब्लो दिस कार इज डेफिनेटली अनबीटेबल इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है तो आप मैन्युअल चलाओ एएमटी चलाओ या फिर पेट्रोल डीजल कोई भी चलाओ यू गेट अमेजिंग पावर एंड टीजीडी है इज द किंग यहां पर नो टू वे इज अबाउट

वो सब कुछ बेहतरीन कर दिया एंड साथ में एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दे दिया विद पैडल शिफ्टर्स जिसकी कीमत काफी ज्यादा है ये yes, क्योंकि एक इंपोर्ट गियर बॉक्स है तो इस वजह से काफी ज्यादा कॉस्ट यहां लग रहा है आपको लेकिन फिर भी ब्रेजा एक नो नॉन सेंस आपके लिए सिटी एस बन जाती है आप हाईवेज पे भी ले जा सकते हो बट मोर कंफर्टेबल फॉर दोस्त जो सिटी uh, में चलाते हैं उनको ये गाड़ी चलाने में काफी मजा आने वाला है वहीं पे एक्स यूवी थ्री डबलो अगर आपको आउटराइट परफॉर्मेंस right चाहिए इसके अलावा आपके लिए कोई और गाड़ी सूटेबल नहीं है जो इसका फन टू ड्राइव एलिमेंट है वो कोई कोई भी इसे मैच नहीं कर सकता यहां पे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसे एक अपग्रेड की जरूरत है क्योंकि यहां फीचर्स अगर आप सबसे कंपेयर करोगे तो इसमें सबसे कम है आज के तारीख में बट फन टू ड्राइव काफी जबरदस्त है विच इज वेयर इट इज अमेजिंग एज अ प्रोडक्ट ओके किया जब यह गाड़ी लॉन्च हुई थी ना मार्केट में इसने बेंच मार्क सेट कर दिया था फॉर द सेट ऑफ फीचर इट ऑफोर्ड कोई और इतने फीचर्स नहीं ऑफर करा था और आज भी इसके फीचर्स अगर आप कंपेयर करोगे ना दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आज भी पेट्रोल चाहिए डीजल चाहिए डीजल, डीजल आपके लिए वहां एक बन जाती है. मेरे से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट टू लुक एट ओके बात करते हैं Venue is definitely जो मेजर अपग्रेड इसमें आए हैं पिछले साल उसके बाद से दिस इज डेफिनेटली

एडिशन ऑफ चीजें मिलता है आपको मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर उसे वैल्यू बना देता है वहीं पे आप टाटा नेक्सॉन ये गाड़ी हमेशा से एक चैंपियन रही है हमारे कंपेरिजन में हमारे वीडियोस में और आज भी है जब मैं गाड़ी शूट कर रहा हूं तब नेक्सॉन की प्राइसिंग नहीं आई थी इसकी प्राइसिंग जब आई है मैं आपके लिए नीचे प्राइसिंग रख दूंगा कि एंट्री लेवल की प्राइस क्या है टॉप एंड तक प्राइसिंग क्या है लेकिन टाटा ने पता है क्या किया यहाँ पे इस बार ना गेम पूरा चेंज कर दिया है जो एंट्री लेवल वेरिएंट भी है ना उसमें आपको इतने सारे फीचर्स दे दिए जो शायद ही कोई और गाड़ी दे सकती है एंड वहां पर नेक्सॉन ने क्लियरली बाजी मार ली इन दैट स्पेस सो देर आर टू मेजर दैट हैपेंड एक नेक्सॉन को मिला है अ फुल फेस एंड वेन्यू को नया एडिशन हुआ है रहते हैं है, तो ये दोनों गाड़ी आपको वो तो दे ही रहे हैं साथ में जो बोलते हैं ना ईज ऑफ ड्राइविंग फन टू ड्राइव वो सारे एलिमेंट्स भी गुल मिला के सब अच्छे पैकेज बन गए वैसे तो सारी गाड़िया काफी स्ट्रॉन्ग है अपने अपने तरीकों में और सब में एक ऐसा गुण है जो दूसरे किसी में नहीं है एंड दैट इज वेयर ऑल शाइन अब डिपेंड करता है आपका बजट कितना है आपको यू नो दैट इज वेर कैन टेल यू कि आपके लिए आखिर में कौन सी गाड़ी सही होगी और किस वजह से सो so, मैंने अपना काम कर दिया आपको दिखाने का कि सारे टेस्ट में कौन सी गाड़ी कैसी है उम्मीद करता हूं आपको उस पर क्लैरिटी मिली होगी अगर आपको फिर भी लग रहा है ना या नहीं समझ में नहीं आ रहा आई डोंट नो देन इन दैट केस आप ना हमसे डायरेक्टली फोन कॉल पर जुड़ के अपने डाउट्स क्लरिफाई कर सकते हैं जी हाँ हम आपको ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिससे आप एज अ कार बायर को क्लैरिटी मिले वरना आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप कर सकते हो अब मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ मोटरॉक टेन डॉट कॉम स्लैश कार जाइए वहाँ पे कुछ डिटेल्स हमने पूछे आपसे उससे फिल कीजिए कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए आखिर में कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से साथ ही में अगर आप आज गाड़ी नहीं ले रहे हो आप कुछ छह महीने आठ महीने या में भी अगले साल गाड़ी लेने की देख रहे हो देन इन दैट केस और गाड़ियों के अपग्रेड आने बाकी है जी आ, इन पांच में से दो गाड़ियों के अपग्रेड आने वाले हैं कब आएंगे कैसे आएंगे उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं रोजाना चेक कीजिए ताकि आप फेक न्यूज के चक्कर में फंसना जाओ मेरे को किसी ने उस दिन बोल दिया यार एक नई एस आ रही है जो ये प्राइस पॉइंट में आने वाली है नाम लाइक ऐसा कुछ होने नहीं वाला है सो so, हम आपके लिए पूरी क्लैरिटी लाते हैं रियल न्यूज लाते हैं तो मोटरऑक्टेन डॉट न्यूज रोजाना चेक कीजिए और आपको 14 सितंबर अगर आप वीडियो देख रहे हैं या सितंबर के बाद वीडियो देख रहे हैं और आपको सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग चाहिए नेक्सॉन की हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाइए वहां पे हमने सारे प्राइजेस का ब्रेकअप दिया हुआ है साथ में हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि वहां पर हम आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स भी लाते रहते हैं ऑन इंस्टाग्राम सो दैट्स ऑल वी आर फॉर नाउ सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑन वीडियो गाइस टेक केयर बाय